हेलो यूपीएससी के स्टूडेंट, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने 2023 की तैयारी। जब भी हम लोग मेंस की तैयारी शुरू करते हैं, उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या आता है कि हम लोग आसानी से एसए को पीछे छोड़ देते हैं। इतना पीछे कि लगता है कि धीरे धीरे जब एसए कम्प्लीट होगा तो वो भी हो जाएगा। मानता हूँ ये सब चीज़ें, मैं मानता हूँ ऐसा सबके साथ होता है, लेकिन हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, एक कदम सबसे आगे रह सकते हैं। क्यों मैं कह रहा हूँ आगे रहने के लिए, रीज़न क्या है कि अगर देखा जाए तो जितने जीएस के पेपर है वो भी 250 नंबर के होते हैं, एससे भी 250 नंबर का पेपर है, लेकिन एससे में अगर आप देखेंगे तो स्कोर सबसे ज़्यादा किया जा सकता है। जीएस के पेपर में 100, 110, 120 तक लाने में हालात ख़राब हो जाते हैं, इतने ख़राब कि आप सोच भी नहीं सकते। जब आप मेंस लिखेंगे तब ये बात आपको खुद समझ में आएगी कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ। लेकिन वहीं एससे की बात करें, थोड़ी सी स्टैटिक, थोड़ी सी गाइडलाइंस और एक बहुत बेहतर स्ट्रक्चर तरीके से अगर कंटेंट आपको मिल जाए और आप एक सही गाइडेंस में तैयारी कर लें, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो विश्वास करिए आप बहुत आराम से 150 तक का आंकड़ा पहुंच सकते हैं। जो आईएएस बन रहे हैं उनका आप देखेंगे एससे काफ़ी अच्छा मजबूत होता है, तो हमें भी वही करना है। उसी को लेके एक स्पेशलाइज कोर्स लाया हूँ। इसको मैं चाहता हूँ कि जितने स्टूडेंट हैं जिनका सच में एससे में दिक्कत है, थीम नहीं बन पा रही है, यूपीएससी लगातार आजकल थीम पे क्वेश्चन पूछ रही है, जिसे हम लोग फिलोसफिकल एससे कहते हैं, पैराग्राफ से पैराग्राफ अटैच नहीं हो पा रहा है, 1000 शब्द को अपने जो आपके पास शब्द हैं उसमें आप रम नहीं पा रहे हैं, ये सब समस्याएँ बहुत हैं। उन्हीं समस्याओं को हम लोग सॉल्व करेंगे 20 जनवरी से। 20 जनवरी को यह कोर्स लॉन्च होगा। इसमें हम लोग साथ जुड़ेंगे, लाइव जुड़ेंगे, 1-1.5 घंटे की ज़बरदस्त परिचर्चा होगी। इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, आपको 80 पेज से लेकर 100 पेज का एक नोट्स दूंगा। डेली 10-10 पेज के नोट्स मिलेंगे। कुल मिला के 20 टॉपिक कवर करूँगा मैं। कितने? 20 टॉपिक्स। विश्वास करिए पिछले 3 साल 4 साल जो भी मैंने यूपीएससी की तैयारी की है उसका पूरा क्रक्स इसमें, लगभग 30 से 40 किताबों का क्रक्स है, जो छोटी छोटी बातें जो हर चीज़ को बहुत बैलेंस तरीके से करती हैं। कोई भी मुद्दा हो उस पर जब हम लोग क्लास करेंगे सब इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ अभी तो बस कोर्स के बारे में आप सबसे बताने आया हूँ। तो क्या करेंगे, उस जो जो आपको हर डेली डेली 10-10 पेज मिलते जाएंगे, तो उसी हिसाब से मैं थीम बनाऊँगा, उस थीम को आपको समझाऊँगा कैसे करना है। और एक बार में 1000 शब्द लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। जब पहले दिन का सेशन होगा बाकायदे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कैसे करना है। उसके बाद क्या करेंगे, पहले 100 शब्द को एकदम गठित, एकदम एक एक लाइन को कैसे रमना है, कैसे पैराग्राफ को अटैच करना है, चीज़ें ऐसी लगें कि एक कहानी चल रही है, ऐसी कहानी जिसमें नॉलेज के साथ ना एक बहुत अद्भुत बातें हैं, उस चीज़ से लेके हमें क्या करना है, शुरू करना है 100 शब्द। फिर अगले दिन 200 शब्द, फिर 300 शब्द, 400 शब्द, ऐसे करते करते 1000 और 1200 शब्द की जो जर्नी है उसको हम एक संगठित वे में एक अच्छे तरीके से लेके आगे बढ़ेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 2 दिन की हम लोग डाउट क्लास भी रखेंगे। अब आपको डेली के डेली 10-10 पीडीएफ मिलते गए, आपने उसको पढ़ते रहे और क्या कर रहे हैं, आप ऐसे रोज लिख भी रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक साथ 1000 शब्द लिखने में ना हालत ख़राब होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन 100-100, 200-200 शब्द अगर आपको लिखाऊंगा, सामने बैठा के कराऊंगा, ऐसे करना है, ये करना है, ये कंटेंट पढ़ के आइए तब करना है, और क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, थीम को कैसे पहचान सकते हैं, सब कुछ जब करेंगे तो चीज़ें कैसे लिखेंगी, एक वे में जाएंगी, कनेक्टिविटी जोड़ने में इजी हो जाएगी। जहाँ आपने ऐसा कर लिया और मेरे साथ 10-12 दिन की ये जर्नी पूरी कर ली, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, गारंटीड कह रहा हूँ सॉल्व हो जाएगा। और वो 80-100 पेज के नोट्स जो आपको भटकाते हैं, ये कंटेंट वो कंटेंट कहाँ से मिलेगा यार, वो वहीं मैंने सब कुछ कर दिया है। अब यूपीएससी कुछ भी दे उसको क्या करना है, उसी के मॉड्यूल में इन्हीं शब्दों को पिरो के एक माला बना देती है, बस हमारा ऐसे तैयार हो गया। करंट अफेयर में जो भी मुद्दे चल रहे हैं उसको भी उसमें जोड़ना सिखा दूंगा, सब कुछ करते हुए आगे बात बन जाएगी। इसीलिए सबको इन्वाइट कर रहा हूँ, जो भी जोड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़िए, एडमिशन शुरू हो गए हैं दिए गए नंबर पर, बिल्कुल है ना, बिल्कुल जुड़िए। 2 समय रखा गया है, 1 शाम को 4 बजे से चलेगा और दूसरा होगा 6 या 6:30 बजे से होगा, जैसा शेड्यूल होगा उस हिसाब से आपको आगे बता दिया जाएगा। व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, इसी नंबर पे बात करेंगे आपसे, मैं ही बात करूँगा, बिल्कुल चीज़ें उसी वे में आपसे आगे डिस्कस की जाएंगी। कोई भी डाउट है मुझे व्हाट्सअप कीजिए, कोई भी समस्या है टेलीग्राम चैनल है वहाँ ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। बस सीधा बात कीजिए, आपकी एससी की समस्या, प्रीलिम्स मेंस में जो भी समस्या आ रही है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं सीधा, विश्वास करिए एक बार जुड़िए आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हाँ, एक छोटी सी फीस रखी है, इतनी छोटी है कि अगर आप महीने भर में 1 कप चाय भी पीते हैं तो उससे भी कम रहेगा, विश्वास करिए यहाँ कोई ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा फीस के चक्कर में, बिल्कुल नहीं, इसलिए रखा जाता है क्योंकि आपका डेडिकेशन बना रहे हैं, ठीक है। डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं सब कुछ, और व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आइए रहा है, वहाँ पर आके आइए, जुड़िए। और मुझे लगता है यह कोर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अगर आपने एससी की तैयारी नहीं की ना, जो वो चीज़ जो थीम वाइज जो मैं बता रहा हूँ, तो एग्ज़ाम बाद क्या होता है, हम लिखते तो बहुत है लेकिन कनेक्टिविटी बन नहीं पाती है, और बाद में पता चलता है कि 90 नंबर 100 नंबर पे ही ऐसे में अटक गए, बहुत ज़्यादा 110 पे आया और पता चला जो चाहते वो नहीं मिला, नहीं तो लिस्ट से बाहर हो गए, ये ना होने पाए। एक बार मेंस लिख के देखेंगे आप तो ऐसे की आपको खूबसूरती समझ में आएगी, और ऐसे की खूबसूरती कैसे क्लियर होना है वो मैंने बताया आपको, एक स्ट्रक्चर्ड वे में,
सही वे में कंटेंट के साथ आगे बढ़ना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, जिसमें सभी चारों जीएस का है, जैसे इम्पोर्टेंट ऑप्शनल होते हैं, जैसे राजनीति विज्ञान, जैसे हिंदी साहित्य, जैसे इतिहास। अब इनका कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा? पता चला आपका इतिहास या हिंदी साहित्य है ही नहीं, तो कंटेंट कहाँ ढूंढोगे? वही कंटेंट मैं दूंगा जो 100 पेज का नोट्स है, वो ही है। कुल मिला के कितने ऐसे आते हैं एग्जाम में भैया? 8। करने कितने हैं? 2। अगर मुझे सिर्फ 2 ऐसे ही करने हैं तो जितनी 100 पेज की नोट्स होगी उसके बाद करंट अफेयर का जितना मैटर होगा, विश्वास करिए 2 ऐसे लिख लोगे। बस जरूरी है थीम को पकड़ना। मैं बता रहा हूँ, मैं सबसे बार बार इसी पे काम करूंगा, थीम कैसे पकड़नी है, 1000 शब्द को कैसे अपनी माला में आपको पिरोना है। शब्द आपके पास होंगे, कंटेंट आपके पास होगा, लेकिन लिखने की कला ही तो कला है, वही तो सीखना है कि किस हिसाब से चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से लिखा जाए। वही बताऊंगा कि भैया किस हिसाब से चीज़ें, अगर मेरी लेखन कला बहुत बेहतर हो गई तो शब्दों को पिरोना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चीज़ों को लिंक करना, भारी भरकम शब्दों का यूज करना ऐसे में इंपॉर्टेंट होता है। एक शब्द 100 बातें कह जाए, ऐसा है ना, जैसे कहते हैं ना, वो ज़्यादा नहीं बोलता लेकिन 1-2 ही शब्द बोलता है लेकिन आपको हिला देता है, ऐसे शब्दों का यूज करना है ऐसे में। साथ जुड़िए, बहुत मज़ा आएगा, विश्वास करिए। 20 जनवरी डेट याद रखिएगा, शुरू हो रहा है सेशन। 2 बैच है, बहुत ही लिमिटेड सीट रखी है, सिर्फ 25 सीटें होंगी एक बैच में। ज्वाइन कर लीजिए, ऑलरेडी कई एडमिशन हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे ये ला रहा हूँ, इसके पहले अगर आप देखेंगे टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिया था। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब जुड़ेंगे और इसका बहुत बेहतर प्रयोग कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर अभी आप कर लोगे ना, तो जब आपका प्री खत्म होगा, मेंस में लेके ज़्यादा सोचना नहीं है, बस इस टॉपिक को उठाए, एक बार फिर से ये पीडीएफ पढ़ डाले, यूपीएससी के क्वेश्चन था, जो 8 में 2 सही लग रहे हैं बस वही लिखने हैं, और उस पर ज़बरदस्त बनता चला गया। और एक ये भी कह रहा हूँ, साथ में जुड़े रहोगे मेंस के बाद, मैं हर 10 दिन पे 1 एसे दे दूंगा, उसको लिखना, काम हो जाएगा, बस क्या दिक्कत है। और प्रीलिम मेंस जो भी समस्या आ रही है डिस्कस कीजिए भाई, क्यों नहीं, हर चीज़ का सोल्यूशन है तो इसका भी है। चलिए, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे सेशन में। और जीएस पेपर 1, 2, 3 ये सब चल रहा है, यूट्यूब पे आप बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं, बहुत जल्द सभी क्लासेस एकदम रेगुलर वे में चलेंगे, और टारगेट है कि फरवरी तक हम लोग क्या करेंगे, पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।